नमस्ते किशन, रविंद्र जी हैं देशमुख ब्रानपुर नेपा नगर से। आइए देखते हैं कुछ इन्होंने भेजा है वीडियो बाइट, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। प्रणाम भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया, मेरा परिचय रविंद्र देशमुख जी, मन ग्राम चांदी तहसील नेपा नगर जी भैया, डिस्ट्रिक्ट ब्रानपुर मध्य प्रदेश। हाँ जी दादा, मैंने ये प्लाट 20 अप्रैल 2020 को लगाया जी, 5x6 पर। तो इसमें कंद लगाया था दादा, तो इसमें थोड़ी सी गैप फिलिंग जो कुछ रटून कुछ पौधे सेट नहीं हुए थे तो उसको डबल लगाया मैंने। तो कुछ पौधे छोटे छोटे हैं उसके लिए कुछ बताइए दादा, जिस तरीके से सर ये दादा ये पौधा कुछ पौधे छोटे से रह गए 5x6। लगभग प्लांट अच्छा है लेकिन जो गर्मी में लगता है ना प्लांट, तो आगे पीछे होता ही है और छोटे बड़े पौधे हो जाते हैं। गर्मी टॉलरेंस सहन नहीं कर पाता है बगीचा, तो उसके लिए सण मक्का लगाना पड़ता है। प्लीज़ सर इसमें कुछ बताइए आप। ये जो फील्ड है आपकी जहाँ पर छोटे बड़े प्लांट हो रहे हैं, यहाँ पर क्या करना है, एक 50 किलो अमोनियम सल्फेट लेना है, 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट लेना है और 19-19 लेना है 10 किलो। कितना? 10 किलो इसका मिश्रण बनाना है और जितने छोटे प्लांट दिख रहे हैं उनको रिंग बना करके 50-50 ग्राम प्रति पौधे को देना है। पूरे खेत में जो आपका फर्टिगेशन शेड्यूल जा रहा होगा उसे चलने दो। जैसे ये छोटा पौधा है इसे 50 ग्राम, यह 4 बार करना है प्रक्रिया 5 से 7 दिन के अंतराल पर। छोटे पौधों को यह पिकअप लेंगे, अभी सही समय है और पौधों से बराबरी कर लेंगे। एक बार आपकी फील्ड का केनोपी बन गया, मतलब पत्ते एक दूसरे में घुसने लग गए, तो फिर छोटे पौधे छोटे रह जाएंगे, पतले पतले जाएंगे। अभी हम इसे भगा करके उनके साथ में कर सकते हैं। और भैया 5x6 को अभी छोड़ दो, तलाक दे दो, कोई ज़रूरी नहीं है 5x6 का ग्राफ एकदम गड़बड़ है। 5x7 या 5x8 बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट है 5x8। जीवन भर केला बदलना नहीं पड़ेगा, इसी केले को इसी कंद को हम चला सकेंगे। सभी केला किसान को मैं बतला दूं, यह प्लाट कंद का है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया मेंटेन हो रहा है। देखिए किस हिसाब से यह हरियाली और फील्ड है। ये जो कुछ छोटे पौधे हैं यह तो टिशू लगाओ या कंद लगाओ, अगर गर्मी में टेम्परेचर प्रबंधन नहीं किया, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं किया, तो ये तो होना ही है। लेकिन जो अदर प्लांट चल रहे हैं वह आपको समझ में आएंगे कि टिश्यू से भी फार्मिंग होती है, पौध से और कंद से भी फार्मिंग होती है। जो किसान पाठशाला को सुनकर देखकर अनुसरण कर रहे हैं वो समझ गए हैं पैसा हो तो पौध खरीदना है वरना कंद लगा रहा है। जी एक चीज़ और मुझे दिख रहा है आपकी फील्ड में, अगर मैं वापस से रिवर्स करके बतलाऊँ आपको, तो यहाँ पर जो प्लांट है इसके ऊपर के पत्तों में ये या तो फंगस आ रही है या निकलने में जो ये आपने रोटावेटर चलाया है, जड़ों को काट पीट के भूंद के रख दिया है, उसमें ट्रैक्टर चला होगा, उसने ये आपको टच किया है। देशमुख जी खेत में ट्रैक्टर डालना बंद करो, पहली रिक्वेस्ट। दूसरा, जो छोटे बड़े पौधे रहे हैं ना, तो ड्रिप का प्रबंधन भी, पानी अगर सभी जगह सही से गिर रहा है तो भी वो प्लांट सही रहेगा, वह भी एक आप देख लीजिएगा। ओवरऑल एवरेज फील्ड ठीक है, बच्चों की सफाई करा दो और अगली बार बच्चों को ड्रिल कर देना जो आइट साइड से निकलते हैं। 5x6 कंस लगाया था 2000 बराबर अप्रैल 2000। ओवरऑल एवरेज ठीक है, फील्ड सारी की सारी ठीक है। सभी मित्रों से मैं चर्चा करूंगा कि कंद में भी बहुत बेहतरीन फार्मिंग हो रही है, हमें जागृत होने की अवस्था है, आवश्यकता है और वीडियोस अच्छे लग रहे हों किसान पाठशाला के, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
नीचे कोने में एक लाल कलर का बटन आता है जिस पे लिखा होता है सब्सक्राइब, उसे टच करो। साइड में बेल आइकन आता है, घंटी का बजन, उसे टच करो। तो ऊपर वाली घंटी को दबाना है ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए आप तक तुरंत पहुँचे और नोटिफिकेशन आए। और केला किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो शेयर करो ताकि उनके खेतों में अगर कोई गड़बड़ी हो रही हो तो उन्हें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो से समझ में आए, ताकि हम घर बैठ कर के ही खेतों में क्या हमें प्रकोशन लेना है, क्या काम करना है, हम खुद ही सीख सकें। किसान पाठशाला YouTube चैनल हम सभी किसानों के लिए है, हम सभी किसानों का ही है। थैंक यू किसान। मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से।